आइंस्टीन रिंग और आइंस्टीन क्रॉस आइंस्टीन ने जो प्रडिक्शन डिकेट्स पहले कर दी थी साइंटिस्ट ने इंश्योर किया कि हाँ वो प्रडिक्शन बिल्कुल सही हैं वॉट यू आर सिंग इन दिस पिक्चर इज अ आइंस्टीन रिंग और आइंस्टीन क्रॉस यू कैन से ये कहाँ से कैसे प्रोड्यूस होता है जब किसी पारवे ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ मास एनर्जी और टाइम एक वो क्रिएट हो जाता है एक वो स्पेस टाइम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से बेंडिंग होती है तो जब कोई लाइट आती है तो वो वो जो स्पेस टाइम क्रिएट हो जाती है उसकी वजह से उस लाइट में भी बेंडिंग होती है जो हम कंसिडर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन है बट उस लाइट में भी बेंडिंग होती है जिसकी वजह से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हमें गैलेक्सीज की तरफ से आते हुए हमें दिखाई देते हैं ये कहाँ पे दिखाई दिया गया है ये जो रिफ्लेक्शन है या फिर ये जो रिंग है ये हमारी कॉन्स्टोलेशन पैगास में दिखाई दी गई है ये कॉन्स्टोलेशन पैगास क्या है ये सबसे फार अवे कॉसर कौ, है यू कैन से जो हमें मिला हुआ है आइंस्टीन uh, के हिसाब से जब इस कॉसर से ये लाइट्स आ रही हैं तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो आइंस्टीन कहते थे कि एक फोर्स नहीं है एक मैकेनिज्म क्रिएट हो जा रहा है ड्यू टू मास एनर्जी और टाइम के बीच में जो एक एनवेलप क्रिएट हो रहा है जो एक स्पेस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से बेंडिंग आ रही है यू मस्ट हैव सीन ऐसे करके पिक्चर दी होती है कई जगह पे ऐसे करके कि ये ये बेंड दिखाते हैं दिस टाइप ऑफ बेंड उसी की बात करें इसी वजह से उसी यही लाइट आते हुए जो है जो हम लोग कंसिडर करते हैं स्ट्रेट है बट ये लाइट जो है वो बेंड करती है जिसकी वजह से ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई देते हैं दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन रिंग और आइंस्टीन क्रॉस